नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। 28 तारीख को नई संसद के भवन का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पुरानी संसद जो 100 सालों से खड़ी हुई है उसका अपना महत्व है, उसकी अपनी सुंदरता है और उसकी अपनी यादें हैं। इस समय हमारे साथ लोकसभा के पूर्व स्पीकर शिवराज पाटिल जी मौजूद हैं, जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे और विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी रहे। उनकी बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबी यादें हैं, उनसे बात करके उनकी यादों को देखते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर कैसी यादें हैं, इतना लंबा सफर आपका संसद में रहा, इतना समय बिताया आपने। हमें पता लगा कि जिस समय आप स्पीकर बने थे आपने पूरी बिल्डिंग का संसद का मुआयना भी किया था, एक एक कॉरिडोर पिलर सब चीजें, क्योंकि वहां पर जो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पीकर के पास ही रहता था वो जी। और इसलिए मैंने देखना चाहा कि क्या क्या है यहाँ पर, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग कहाँ है। फिर वो एक अंदर का एक रोड है और बाद में उधर एक दूसरी एक बिल्डिंग बनाई थी इंदिरा जी गांधी ने, वो एनएक्सी का जो था। उसके बाद पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी का बनाने के भी एक बात चल रही थी, वो बनाने के लिए प्रेसिडेंट साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, मगर वो बिल्डिंग नहीं बन सकी थी उस वक्त फाउंडेशन होने के बाद। कि लोग बोलने लगे कि ये क्या है कि ये बिल्डिंग 3 मंजिला बनेगी तो ये नई पुरानी अच्छी बिल्डिंग जो है छुप जाएगी उसके पीछे, तो वो भी हो रहा था। तो उसके बाद जो है हमने बोला कि भाई हम इसको ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे कि वो छुप नहीं जाएगी। तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग बनाई है उसके अंदर मैंने जो इनॉग्रेशन किया था बाद में, तो 2 मंजिला जमीन के नीचे उसको बनाया था और 1 मंजिला ऊपर बनाया था। बनी थी, नहीं थी। हाँ, अब है ना, पर आपने तो देखा होगा। मैंने देखा है सर। हाँ, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जी, तो मैंने याद रहने की जैसी बात है, मैंने दोनों देखी है। हाँ, दूसरी दोनों पहले की लाइब्रेरी तो फिर पहले के पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर ही थी। मैंने वो वाली लाइब्रेरी भी देखी थी जब यशपाल कपूर जी एक दिन किताब पढ़ रहे थे मेरे साथ बैठ के, तब भी देखा था। तो ये एक याद रहने की जैसी बात है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर लोकशाही शुरू होने के बाद जो है पार्लियामेंट बनी, राष्ट्रपति भवन बना और फिर ये सब बने, ये सब याद ही है ना। सब ये इमारतें थी तो बड़ी खूबसूरत सर, अगर संसद की इमारत देखें, कॉरिडोर्स, उसके पिलर्स, हाँ, बाहर से देखें या अंदर से भी खड़े होकर, सभी चीज सुंदर है वहाँ के। आप कभी कैंटीन में जाकर मौका मिला था आपको, कैंटीन में कभी चाय पानी ब्रेकफास्ट करने का कभी जाते थे? नहीं, ब्रेकफास्ट वास्ट के लिए नहीं जाते थे, मगर कैंटीन में कैसी स्वच्छता है, क्या क्या खाने को दे रहे हैं, ये देखने के लिए जाते थे हम लोग, पूरा निरीक्षण करते थे। हाँ, और वो भी लोग जो है हम आएंगे देखेंगे कुछ तो बोलेंगे, बोलकर वो भी अच्छा लगते थे बेचारे। सेंट्रल हॉल वहाँ का एक खास आकर्षण हुआ करता था, आपको याद है? सेंट्रल हॉल सबसे बड़ा हॉल है वहाँ पर और उसके अंदर 800 के 900 के करीब करीब लोग बैठ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है जी। और हमको 542 मेंबर रहते हैं लोकसभा के अंदर जी। तो बाकी के लोगों के लिए भी जगह रहती थी, मगर चार पांच इलेक्शन होने के बाद अगर संख्या बढ़ गई तो उसको जो है हम लोग जो है शायद उसको नहीं ये कर सकेंगे, ऐसा भी लोग कुछ लोगों को कहता था और वो बोलते थे कि बड़ी बनाओ ना, दूसरी बनाओ ना, वो बोलते थे। सर जब ये लंच होता था या ब्रेक्स होते थे वहाँ काफी रौनक लग जाया करती थी। स्टॉल होता था वहाँ, लस्सी छाछ। नहीं, लस्सी छाछ तो वो अलग बात है, मगर वो बिल्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, वो प्रेसिडेंट हाउस का भी कंस्ट्रक्शन उतना ही अच्छा है। उसका जो वेल है सर, लोकसभा स्पीकर के पास के जो वेल है वो ऊपर से उतरते हैं जब नीचे, खूबसूरत डिजाइन किया गया उसको। हाँ, अच्छा सर, आप स्पीकर रहे इतने साल, डिप्टी स्पीकर भी रहे वहाँ,
तो स्पीकर की सीट के अलावा और अपना रूम जो था, अपना जो चैम्बर था, उसके अलावा खास खास कहाँ कहाँ आना जाना ज्यादा आवाजाही आपकी हुआ करती थी? आवाज पार्लियामेंट के स्पीकर का मतलब है सिर्फ वो जिस ऑफिस में बैठे हैं वही आवाज आती है, ऐसा नहीं है। वो पूरे का पूरा काम उन्हें को देखना पड़ता था जी। अगर वो नहीं देखे तो बोलेंगे तुम्हारे को तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुमने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, इसलिए सब हम देखते थे। अच्छा, सबसे खूबसूरत हिस्सा आपको कौन सा लगा पार्लियामेंट? मुझे ऐसा एक भी हिस्सा नहीं लगा कि वो दूसरों से अच्छा नहीं है। वो सभी हिस्से बहुत 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 सुंदर है। प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी सुंदर है, ये भी बिल्डिंग सुंदर। अच्छा, आप जो नई बिल्डिंग बन रही है उस पर आपका क्या कहना है, वो कितनी खूबसूरत है? मैंने देखा नहीं है अभी वो नई बिल्डिंग। अच्छा। देखने के बाद मैं उसका अपने मत बनाऊंगा। तो आप लोगों को कभी निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे आप? अब वो निमंत्रण क्या है, वो उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया तो भी हम जाके देखेंगे। वो स्पीकर को बोलेंगे कि हम देखना चाहते हैं आपके आने की इजाजत। ये तो बड़ी अच्छी भावना है कि भारत की है तो सब सबका हक बनता है। हाँ हाँ सर, आपने हमारे साथ अपनी यादें शेयर की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।